Hi friends, welcome to Circandron LDCE classes. Circandron LDCE classes में आपका स्वागत है. आज हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट एक छोटे से टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, जब कोई उसमें डेथ होता है या जब कोई उसमें सिंपल इंजुरी होता है या ग्रीवियस इंजुरी होता है, उस कंडीशन में कितना जो है ग्रेटिया दिया जाता है, कितना जो है मुआवजा दिया जाता है, कितना जो है अनुग्रह राशि दिया जाता है, उसके बारे में आज की क्लास हम लोग चर्चा करेंगे. तो ये क्लास शुरू करते हैं. कहता है एक्स ग्रेटिया पेमेंट एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शंस. कहता है अगर सिंपल इंजुरी हो और ट्रेन एक्सीडेंट में सिंपल इंजुरी हो. अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट क्या है, अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट क्या है. तो आपको पहले भी हम लोग एक्सीडेंट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट क्या है, जिसमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना. उसी तरह से अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट क्या है, इसको पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है. तो कहता है कि ट्रेन एक्सीडेंट में जब सिंपल इंजुरी आता है तो उसमें 5,000 रुपये एक्स ग्रेटिया के रूप में दिया जाता है, मतलब एक हेल्पिंग अमाउंट के रूप में दिया जाता है. ट्रेन एक्सीडेंट में अगर सिंपल इंजुरी होता है तो 5,000 रुपये. अगर वही ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में अगर सिंपल इंजुरी है तो 500 रुपये दिया जाता है. वहीं अगर मैंड लेवल क्रॉसिंग जो गेट होता है, LC जो गेट होता है, अगर उसमें रेलवे कर्मचारी के मिस्टेक से अगर वो घटना घटा है तो उस कंडीशन में ये सिंपल इंजुरी में कितना 5,000 रुपये इसमें भी दिया जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. फिर से एक बार रिपीट कर दें. कहता है कि ट्रेन एक्सीडेंट में अगर सिंपल इंजुरी किसी को हुआ है तो 5,000 रुपये उसको जो है ना ग्रेटिया के रूप में दिया जाता है. अगर ये ऑनटूवर्ड इंसिडेंट है तो उसमें सहायता के रूप में, अनुग्रह के रूप में 500 रुपये दिया जाएगा. अगर वो मैंड लेवल जो क्रॉसिंग गेट होता है, LC जो गेट होता है, अगर वहाँ पे रेलवे स्टाफ या रेलवे के मिस्टेक के चलते वो एक्सीडेंट हुआ है, उस कंडीशन में सिंपल इंजुरी में 5,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है. अब है ग्रीवियस इंजुरी. अगर कोई गंभीर चोट वगैरह आया हो, ग्रीवियस इंजुरी हो, उस कंडीशन को ये देखते हैं. कहता है कि अगर ग्रीवियस इंजुरी में फॉर 30 डेज हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई गंभीर चोट वगैरह आया हो, ग्रीवियस इंजुरी है जिसमें 30 दिनों तक हॉस्पिटल में कोई आदमी भर्ती हो गया हो, उस कंडीशन में ट्रेन एक्सीडेंट में जो है 25,000 रुपये दिया जाता है. वही ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में 5,000 रुपये दिया जाता है. और वहीं जब मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट में अगर रेलवे कर्मचारी के मिस्टेक के चलते ऐसा हुआ है तो यहाँ भी 25,000 रुपये दिया जाता है. किसमें? ग्रीवियस इंजुरी में अगर कोई 30 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 30 दिन तक वो हॉस्पिटल में भर्ती हो. दूसरा कंडीशन है फॉर फर्दर 6 मंथ्स हॉस्पिटलाइजेशन. अगर 6 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हो तो कहता है ट्रेन एक्सीडेंट में कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है, मतलब नील रहता है. वहीं ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में 1,000 रुपया पर वीक और पार्ट दिया जाता है, मतलब प्रत्येक सप्ताह के लिए 1,000 रुपया दिया जाता है या उसके एक भाग के लिए 1,000 रुपया पर वीक, ठीक है. और वहीं मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट है तो यहाँ भी नील होता है, ठीक है. तीसरा है फॉर फर्दर 5 मंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. अगर उसके आगे के 5 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो तो ट्रेन एक्सीडेंट में यहाँ भी नील है, मतलब यहाँ भी नहीं मिलता है कुछ. ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में यहाँ 500 रुपये पर वीक या पार्ट दिया जाता है. मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट है, यहाँ भी क्या होता है, नील रहता है, ठीक है. कहता है अगला है कि फॉर एवरी 10 डेज पीरियड और अप टू डिस्चार्ज विच एवर इज अर्लियर. कहता है कि प्रत्येक 10 दिन के लिए या डिस्चार्ज जो पहले हो रहा हो, उसमें से जो भी पहले हो, उसमें क्या होगा भाई. तो कहता है ट्रेन एक्सीडेंट में 300 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है. वही ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में और मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट में नहीं कुछ दिया जाता है, मतलब नील रहता है, ठीक है. आई नोट में कुछ देख लेते हैं. कहता है कि जो मैक्सिमम जो पीरियड होगा एक्स ग्रेटिया देने का, वह पेमेंट के रूप में, वो मैक्सिमम 12 महीने का होता है. कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का होता है, ठीक है. अगर कोई डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में ट्रेन एक्सीडेंट में अगर कोई डेथ होता है तो उसमें 50,000 रुपये दिया जाता है. वहीं ऑनटूवर्ड इंसिडेंट में डेथ होगा तो 15,000 रुपये दिया जाता है. वहीं अगर मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट पर कोई डेथ होता है तो इसमें भी 50,000 रुपये दिया जाता है. वहीं कंपनसेशन जो है
डेथ जो है अगर कंपनसेशन में देखा जाए तो इसमें भी जो है ना ट्रेन एक्सीडेंट में अगर कंपनसेशन डेथ की कंडीशन में कंपनसेशन जो है 8 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 8 लाख रुपए। वही ऑन टू वर्ड इंसिडेंट में भी जो है 8 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, तो डेथ अगर होता है तो उस कंडीशन में कंपनसेशन जो है रेलवे द्वारा 8 लाख रुपए दिया जाता है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो या ऑन टूवर्ड इंसिडेंट हो। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए इसको जानना जरूरी था। तो सर्कंड्रोन एलडीसी क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।